अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तमाम आमंत्रित करना चाहूंगा आप लोगों को इस बात के लिए जिस विषय बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष नाम है स्वर्गीय दास जी, पर काम है इस प्रकृति को संभालना। और प्रकृति सबसे बड़ी दौलत है, परिवार पर्यावरण भी है। तो मैं इनका नाम फकीर दास नहीं, मैं इनका नाम दौलत दास रखता हूं। जरा ताले युग में जी रहे, देश विकास कर रहा है, पर अपनी संस्कृति से हमारे सिर्फ 3 या 4 दिन पहले के बाद बोले कि अपनी सरकार बनने वाली है। मैं तेरे को पीडब्ल्यूडी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला देवास द्वारा आयोजित इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हम सबको मार्गदर्शन। सीपीएम कांग्रेस और बीजेपी, ममता जी के खिलाफ हम सब सीपीएम भी जुलूस निकाले, कांग्रेस भी जुलूस निकाले, बीजेपी भी जुलूस निकाले, हमारे भी 400 से ज्यादा। मुझे कहते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की यात्रा भारतीय जनसंघ से प्रारंभ की, कभी तो सत्ता ही आया। इस यात्रा में बहुत लोगों का बलिदान, यह देश संवारने का काम पर चल रहा है, देश आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। एक आइडियोलॉजी जो भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुई थी, आज वो उस विचारधारा ने सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। इनका नाम दौलत दास रखता हूँ, जरा तालियां बजाकर पत्रकार जी को स्वागत करें। जिलाध्यक्ष भाई राजू खंडेलवाल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और ओजस्वी वक्ता भाई महेंद्र सोलंकी जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। देश का एक्सपोर्ट 65 लाख करोड़ हो गया है, जस्ट डबल। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी अभी एक भाषण में कहा कि त्योहार आ रहे हैं, त्योहार में अपने देश लोकल पाल वोकल का ध्यान रखिएगा। आज हमारे देश का युवा उद्यमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपने देश के झंडे की शान बढ़ाते हैं, और वर्तमान विपक्ष नेता विदेश में जाते हैं तो भारत को अपमान करने का काम करते हैं। क्या ऐसे विपक्ष को इस देश के अंदर मान सम्मान मिलना चाहिए? और इसलिए देश ऐसे संकट के दौर से गुजर, वो कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम देश के लिए राजनीति। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में अंतर ही यही है कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं, वो कुर्सी के लिए राजनीति। मैं बहुत प्राणी क्या बात है, मिलकर तुम मेरे को पूरा एनालिसिस करते हो, उन्होंने पूरा मेरे को एनालिसिस करते हो। मैंने 6 महीने के अंदर सारी ट्रेन को बंद करा के बस चालू करवाई। आज टेम्पो से मेट्रो तक पहुंचा रही है, एक यात्रा की हमने निकाला। और ये मेट्रो इंदौर तक नहीं होगी, ये मेट्रो उज्जैन जाएगी, ये मेट्रो देवास आएगी। बहुत सी निगेटिव एजेंसी भी थी, इसमें क्या करेंगे, मैं नाम भी बताऊंगा। एक बहुत बड़ा चैनल है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी टीम आई, उसका सीएम मेरे मित्र का लड़का, वो आया मुझे उनके अंकल, जब उन्होंने फलानी कंपनी के लिए मध्य प्रदेश में सर्वे कर रहा हूँ, उनके क्या रिजल्ट है तुम्हारा, बोले सर कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में तेजी से प्रगति कर रहा है, गाँव प्रगति कर रहा है, किसान प्रगति कर रहा है, एजुकेशन में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था ना, 2000 ये विकास का मॉडल, हमें
हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ आज या कल ही परसों नहीं, वो 25 साल बाद हमारा देश के साथ इसके बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए तब अमृत महोत्सव बनाया। मैं आपको बहुत पुरानी वास्तविक घटना आपको स्मरण करा, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। मुस्लिम राष्ट्रों का जो संगठन है उन्होंने जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार का हनन हो रहा है इसको लेकर यूनाइटेड नेशन में शिकायत की और यूनाइटेड नेशन ने तत्काल एक जनरल मीटिंग बुला ली जिसमें मतदान करते अगर वो तो हम हार जाते और हम फिर बहुत सारे प्रतिबंध कर जाते। नरसिंह राव जी भगा गए, सलमान खुर्शीद उसमें विशेष मंत्री, नरसिंह राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया, अटल जी ये संकट आया, ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार दलितों की सरकार है, ये सरकार महिला सशक्तिकरण की सरकार है, ये सरकार भारत को ताकतवर बनाएगी, दुनिया के अंदर भारत को मजबूत देश के रूप में स्थापित करेगी। ये 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था, पहला भाषण था। आज आप देखिए भारत ताकतवर बन रहा। मुझे कहते हैं बहुत गर्व है इस बात का। पिछले दिनों अमेरिका की संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरी बार बुलाया गया। भारत के वो पहले प्रधानमंत्री है जिनको अमेरिका की संसद में दूसरी बार बुलाया गया और उन्होंने भाषण दिया। पता क्या, आपने भी देखा होगा कि जब मैं पहली बार आया था तो विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का नंबर 10वां था, अभी आया हूं तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर की है और अगली बार आऊंगा तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 3रे नंबर की होगी। इस आत्मविश्वास के साथ इतनी बड़ी संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था, लोग उनको 56 इंच के सीने वाला बोलते रहे, वो सुनने के बाद मेरा सीना भी 56 इंच का हो गया। ये हमारे देश के कभी कभी वो बात ना आएगा। पिछली बार बहुत बड़े किसान नहीं है, 7-8% किसानों ने अपना मत बदला, उससे सरकार बन गई। हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, मेरे झंडा बढ़ाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद विचार करना कि प्रदेश को देश को आगे कौन बढ़ाता है, कौन बढ़ा सकता है, कौन देश के लिए राजनीति कर रहा है, कौन कुर्सी के लिए राजनीति कर रहा है। आज कृषि विकास दर कांग्रेस के सामने 3% थी, आज 18% है। उनको उसका कारण बताऊंगा कि सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी 2003 में, इसी थी पहले बहुत सम्मानजनक नहीं थी। भारत की स्थिति रही तो आदिवासियों का देश है, सांप पकड़ने वालों का देश है, भारत की सांप दुनिया के अंदर बहुत अच्छी नहीं थी 70 वर्षों में। मुझे कहते हुए गर्व कि मोदी जी ने भारत की बातों समझी, विश्व के मंच पर भारत की सांप पड़ी। टेम्पो चलते नगर निगम में तनखा बांटने के लिए पैसे दिए, जो मेयर की गाड़ी वो भी खराब हो गई तो मैं नंदा नगर से टेम्पो में बैठ के नगर निगम में जाता मेयर होते हुए। तो मैंने मार्ग किया कि मैं टेम्पो में जिस दिन नगर निगम जाता था उस दिन मेरा स्किल हो जाता, तो मैंने पैसे अपने डॉक्टर आप शायद जानते हैं हमारे जोशी जी जो हमारे पुरातत्व विभाग के उज्जैन वाले, क्या उस बहन के पास 1200 रुपये गए तो क्या करेंगे,
क्या करें, घर में भी नतीजे तो नहीं, बाजार में आए, बाजार में दुकान किसकी है, आपकी, व्यापार आपने करेंगे। ये अर्थचक्र पूरा पूरा, यदि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो अनाज का पैसा उस व्यक्ति के पास बच रहा है, गरीब के पास, तो पैसे का क्या करेगा, वो बाजार में आएगा। जितना ज्यादा पैसे का सर्कुलेशन होगा उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। सबसे अच्छी सड़क अगर कोई थी तो देवास बाईपास, तो हम वहां से निकले तो उमा जी ने बोला था कैलाश अपनी सरकार बनने वाली, तुम चुनाव प्रचार में जा रहे, चुनाव मतदान के सिर्फ 3 या 4 दिन बैठे थे, बोले कि अपनी सरकार बनने वाली है, मैं तेरे को पीडब्ल्यूडी उठा दूंगी, अपने देश की सड़क बनाना है पूरे मध्य प्रदेश को। मुझे मध्य प्रदेश में सिर्फ देवास बाईपास अच्छा सब दूर कट गए, और उस पर उमा जी ने बोला मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे आंकड़े बताता हूँ। 2003 में जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, बाद में मुझे पावर मिनिस्ट्री भी मिली, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो इस देश के अंदर सारे बाद भी देश के झंडे की शान बढ़ाते हैं और वर्तमान विपक्ष नेता विदेश में जाते हैं तो भारत को अपमान करने का काम करते हैं, क्या ऐसे विपक्ष को इस देश के अंदर मान सम्मान मिलना चाहिए क्या, मैं आपसे पूछना चाहूँ। और इसलिए देश इस संकट के दौर से गुजर रहा है कि लोगों को देश की चिंता नहीं है, कुर्सी की चिंता है, वो कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम देश के लिए राजनीति। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में अंतर ही यही है कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए राजनीति। मैं तो बहुत पुरानी घटना याद आ गई, 2003 में राहुल जी विदेश में कभी कभी बोल के जाते हैं, कभी कभी बोला जाते हैं, बिना बोले जाते हैं कहा जाते हैं किसी को बता नहीं जाते, बोल के जाते हैं तो विदेश में कहते हैं भारत की खराब मैंने राहुल जी का। अच्छा एक अहम सवाल है, आपका एक बयान सामने आया कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ और ऊपर मेरे को पार्टी भेजेगी, तो क्या मुख्यमंत्री के पद की तरफ इशारा है क्या आपका? मैंने ऐसे कोई बयान नहीं दिया, वीडियो आया निकल कर सामने आया अपने प्रबुद्ध जनों से। अरे मेरे तो सही बात है कि निकल के क्या सामने आया, इनसे खुशी जो श्रोता थी, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि टक्के की छोटी पर कि हमने मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाया, देश को भी आगे बढ़ाया, मध्य प्रदेश की शान भी बढ़ी है और देश की शान भी बढ़ी है। मोदी जी ने जिस तरीके से भारत का नेतृत्व किया, हर भारतीय गौरवान्वित थे, और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त विकास कर रही है, आगे भी विकास कर रही है। आपके अलावा जो तमाम दिग्गज भाजपा ने मैदान में उतार दिए, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूं भी या ना लड़ूं, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा ये निर्णय करना हमारा काम ही नहीं है, हमारे नेतृत्व करता है, और इसलिए जो भी नेतृत्व कहेगा वो शिवराज जी भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, तो इसलिए नेतृत्व ही हमारा निर्णय करता है। और मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे एक बार फिर से, और हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि राहुल जी विदेश में कभी कभी बोल के जाते हैं, कभी कभी बिना बोले जाते हैं, बिना बोले जाते हैं जब वो कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं रहता, बोल के जाते हैं तो विदेशों में जरूर वो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और इसलिए मैंने राहुल जी के नाम पर। अच्छा एक अहम सवाल है, आपका एक बयान सामने आया कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ और ऊपर मेरे को पार्टी भेजेगी, तो क्या मुख्यमंत्री के पद की तरफ इशारा है क्या आपका? मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, अपने प्रबुद्ध जनों से। अरे मैंने तो सही बात है कि निकल के क्या सामना आया, तो इनसे पूछे जो श्रोता थे, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ढक्के की चोट पर कि हमने मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाया, देश को भी आगे बढ़ाया, मध्य प्रदेश की शान भी बढ़ी है और देश की शान भी बढ़ी है। और मोदी जी ने जिस तरीके से भारत का नेतृत्व किया, हर भारतीय गौरवान्वित है, और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त विकास कर रही है, आगे भी विकास करेगी। आपके अलावा जो तमाम दिग्गज भाजपा ने मैदान में उतार दिए, ऐसे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूं भी या ना लड़ूं, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा ये निर्णय करना हमारा काम ही नहीं है,
हमारे नेतृत्व करता है, और इसलिए जो भी नेतृत्व कहेगा वो शिवराज जी मानेंगे, हम भी मानेंगे, और इसलिए नेतृत्व ही हमारा निर्णय करता है। और मुझे लगता है कि दो तिहाई बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे एक बार फिर से, और हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे कोई भी। ठीक, थैंक यू।